तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे उसमें क्लियर किए गए हुए हैं। ठीक है, तो आइए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इस चैप्टर से थोड़ा बहुत भी डर लगता है, या फिर आपको बिल कैलकुलेट करने से डर लगता है, या फिर आपको इस चैप्टर के बारे में बात करने से डर लगता है न्यूमेरिकल की वजह से, तो उनमें से एक टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर, जिससे न्यूमेरिकल थोड़े से लगाने में आपको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया या फिर आपको सही गाइडेंस नहीं मिला। ठीक है, तो अब आपको चाहिए कि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर इसके बाद उन क्वेश्चंस को फिर से री अटेम्प्ट करें और फिर देखें कि आपके कॉन्फिडेंस में कितनी ज्यादा बढ़त हुई है या फिर आप क्या अब फील कर पा रहे हैं। ठीक है, अबाउट द न्यूमेरिकल्स आइए शुरू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पावर हम जब बात करेंगे तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी अप्लाइंसेस है, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक बल्ब है, ठीक है, वो कितने टाइम पे कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, कोई भी गैजेट है वो कितने पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में बोल सकता हूं, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूम अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे पार्टी, ये हो जाएगा हमारे पास टाइम। ठीक है, यहां से अच्छा एक और फॉर्मूला हमारे पास, देखो इसको ट्रांसपोज करोगे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम किसके बराबर होता है हमारे पास, ये होता है पावर इनटू में टाइम के। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये तो बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। किसकी बात करते हैं? एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट बच्चे पार्टी क्या होती है हमारे पास? वॉट। क्या होती है? वॉट होती है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज वी आई। क्या होता है? वी आई। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो अगर आई स्क्वायर आर टी को हम लोग कैलकुलेट कराएं तो हम पावर के कई सारे फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हमें जो सीखना है, जो हमें पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, तो पहला फॉर्मूला इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट। ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है? जब आपके क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का कॉम्बिनेशन हो, तब जाकर के पावर कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, देखो जरा, अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, अब इसको मान लेते हैं बेस फॉर्मूला। क्या मान लेते हैं? इसको बेस फॉर्मूला। ठीक है, अब इस बेस फॉर्मूले में एक बार V की वैल्यू रखते हैं, एक बार I की वैल्यू रखते हैं, फिर देखते हैं। तो P, देखो हमें पता है क्या, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो जैसे ही V की वैल्यू आई आर रखोगे तो देखो आई आई से आर स्क्वायर, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो देखो एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया, राइट। अब जैसे ही आप आई की वैल्यू क्या होती है जरा बताइएगा, तो आई इज इक्वल टू हो जाता है वी अपॉन में आर। तो आई की वैल्यू प्लेस करो दूसरे नंबर पे, तो आप आई की जगह वी अपॉन में आर रखेंगे तो वी स्क्वायर, तो पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास जो आपको तैयार रखना है, जिसकी हेल्प से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर सिर्फ इतना ही है क्या कि इलेक्ट्रिक पावर इज नोन एज कैपेसिटी, एक रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय द अप्लायंसेज, राइट। एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी कंज्यूम बाय द अप्लायंसेज इज इक्वल टू द पावर इनटू में टाइम। ठीक है, अब पहला फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई, दूसरा फॉर्मूला हमने देखा इसको बेस मान के हमने वैल्यू प्लेस करी तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, बहुत ही शानदार चीज है। अच्छा, अब एक चीज अगर आपको ध्यान दे, अब बात करते हैं यूनिट की तरफ। हालांकि मैंने आपको जो बताया ये एसआई यूनिट है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यूनिट क्या होती। हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि जो यूनिट थी वो हमारे पास क्या थी, वो थी वॉट। क्या थी हमारे पास? वॉट थी। ठीक है, देखो मैं अपने स्वेटर के कलर से मैच करके चला रहा हूं, ठीक है, पेन वॉट थी। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट। जैसे आपने सुना है 30 वॉट, 40 वॉट, 60 वॉट के बल्ब सुने, या 1500 वॉट का गीजर सुना होगा, राइट। तो ये क्या है बेसिकली कि वो इतने वॉट का मतलब पावर, और पावर बोले तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा एक यूनिट टाइम। ठीक है, ओके, अब जो हमारी कॉमर्शियल यूनिट होती है ना, वो होती है KWH। क्या होती है? KWH, किलो वॉट आर। जरा समझिए, अगर आपसे एनर्जी कंज्यूम के लिए बोल रहा है, एनर्जी कंज्यूम के लिए, तो फॉर्मूला हमारे पास E इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम।
और देखो पावर का एसआई यूनिट क्या है हमारे पास, पावर का एसआई यूनिट है हमारे पास वॉट, और टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, आर में, किसमें कैलकुलेट करते हैं आर में, तो ये हमारे पास क्या आ गया वॉट आर, जो एनर्जी कंज्यूम निकल के आएगी वॉट आर में निकल के आएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि एनर्जी कंज्यूम इन जूल, तो फिर हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास टाइम है, अगर इफ जूल में आस्क करता पूछ रहा है, इफ जूल में पूछ रहा है, तो टाइम को ऑलवेज हमें किस में लेना है, सेकंड में लेना है। ठीक है, ऑलवेज किस में लेना है, सेकंड में। अगर पूछता है कि फाइंड द एनर्जी कंज्यूम बाय द अप्लायंसेस इन जूल, तो फिर आप जब फाइंड कर रहे होंगे एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम, तो इस टाइम को आर में ना लेकर के किस में लेंगे, आपको लेना है सेकंड में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो बहुत खास बात है अगर इतनी बात समझ में आ गई। जरा देखो, अब मैं बात कर रहा था कॉमर्शियल यूनिट की, तो 1 kW इज इक्वल टू कितना होता है 1000 W, बेसिक यूनिट 1 W, और 1 W से अगर बढ़ी जाएंगे तो कितना आ गया किलोवाट, किलोवाट के बाद मेगावाट, फिर मेगावाट के बाद गीगावाट। ठीक है, तो हम सिंपल सी बात करेंगे किलोवाट की। अब अगर मैं इसमें टाइम भी इंक्लूड कर देता हूं, क्या इंक्लूड कर देता हूं, टाइम इंक्लूड कर देता हूं, तो 1 kWh। अब एच मतलब ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1 hour, ये आ गया हमारे पास 1000 इंटू में 1 hour, क्लियर, ये तो हो गया 1 kWh। इसको बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट, या इसी को कहा जाता है 1 unit electricity bill, 1 unit bill। अगर आपसे पूछ लिया गया है कि क्या कॉस्ट होगा 10 unit का, इसका मतलब वो आया है 10 kWh। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको बिल कैलकुलेट करने के लिए आता है और इसमें आपको क्या आ गया वॉट आर आ गया, तो वॉट आर को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करना है, किलो वॉट आर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करोगे, तुरंत 1000 का मल्टीप्लाई करा के, क्लियर ना। और अगर मान लीजिए बिल कैलकुलेट करने के लिए आता है, बोलता है कि किलो वॉट आर में फाइंड कर लिया आपने, और इसके बाद फिर कहता है 10 रुपए यूनिट है, तो जितने किलो वॉट आर आ गया उससे आपको 10 से मल्टीप्लाई करा देना। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिलहाल तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। वॉट थी हमारे पास बेसिक यूनिट, फिर इसके बाद देखा हमने कॉमर्शियल यूनिट, दैट इज किलो वॉट आर, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और 1 kWh को क्या बोला जाता है, 1 unit bill बोला जाता है, 1 kWh इज इक्वल टू 1000 W के होता है। ठीक है, एनर्जी में हमने देखा एनर्जी इज इक्वल पावर इनटू टाइम, जिसको हम लोग फाइंड करते हैं वॉट आर में, बट अगर एनर्जी हमें जूल में चाहिए तो हमें टाइम को सेकेंड में कैलकुलेट करना होता है, इतना हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, पावर के फॉर्मूले भी पढ़ लिए। चलो अब जरा एक चीज देखो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आर एंड जूल, तो जरा समझो, अब टाइम को हमें क्या करना है बच्चा पार्टी, सेकंड में लेना है, जूल में निकालना है, तो टाइम किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो देखो 1 kWh इज इक्वल टू, तो 1000 हो गया, और एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं भैया, 60 × 60 मतलब 36, तो कितना जाएगा 36 1 2 3 4 5 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 3.650 एस 1 point लगाया 60 होगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 6, क्या जाएगा जूल आ गया, क्या 3.6 × 10⁻⁶ जूल। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ओके। तो ये क्या होता है, ये रिलेशन होता है 1 kWh एंड जूल का, बस इतना सा छोटा सा टॉपिक है, कौन सा बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आओ चलो मूव करते हैं, अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, फिर हम लोग मूव करेंगे हम लोग कहां पर, अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है कुछ न्यूमेरिकल्स। सर ये कौन सा टॉपिक है, तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो तभी तो कहता हूं कि आप देखते हैं। चलो भाई, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन में शायद, यस ओके। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखो, तो क्या कहता है ये, कैसी कैसी बातें करता है ये न्यूमेरिकल, तो ये न्यूमेरिकल देखो कैसी बातें करता है, समझो। तो देखो भाई क्या कहता है, कहता है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, कौन, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 W ऑपरेट्स 8 hours पर डे, वॉट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days एट 3 rupees पर किलोवाट आर। यहां पर लिख सकता है 3 rupees पर यूनिट, यहां पर लिख सकता है इन जुलाई मंथ, इन अगस्त मंथ, इसका मतलब 30 की 31 वाला डेज, भाई कोई मंथ होता है 31 का होता है, कोई मंथ होता है 30 का होता है, तो उन मंथ के नाम भी लिख के आपको दे सकता है। चलो कैसे फाइंड करना है जरा देखो, तो सबसे पहले क्या निकालना है, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो सबसे पहले एनर्जी फाइंड करो, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। ठीक है, अच्छा अब एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, पावर की वैल्यू क्या है, पावर की वैल्यू है 400 और टाइम की वैल्यू कितनी, 8 hours, लेकिन 8 hours कितने दिन में, 1 day में, पूरा टोटल टाइम लिखेंगे ना, तो 30 days का कितना हो जाएगा, 8 × 30। ठीक है,
तो जरा देखो एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ गया, 32 इंटू में 3 इंटू में कितना, 1, 2, 3, 0 है ना, 3 2 6, 3 3 9, या मैं कह सकता हूं 1, 2, 3, ये आ गया एनर्जी कंज्यूम, क्या वॉट आर, ये आर में आ गया, ये वॉट में आ गया, तो वॉट आर आ गया। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, बिल चाहिए, तो बिल तो वॉट आर में होता नहीं है, बिल किस में होता है, बिल होता है किलो वॉट आर में। तो सबसे पहले तो हम इसको वॉट आर को किस में चेंज करेंगे, के डब्ल्यू एच में चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या कर यूनिट में चेंज कर दिया, हमने किस में चेंज कर दिया, यूनिट में, ठीक है। तो हो गया 96 1 2 3 अपॉन में कितना आ गया 1000 वॉट, तो कितना आ गया 96, कितना आ गया 96 के डब्ल्यू एच या 96 यूनिट। वन यूनिट का कॉस्ट कितना है बेटा, 3 रुपीज, तो 96 यूनिट का कितना कॉस्ट होगा, 96 का होगा 3 से मल्टीप्लाई करा दो, जो आएगा वो आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द बिल होगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये बेसिक हमें याद रखना है कि वॉट आर में आता है तो किलो वॉट आर में चेंज करना है, क्योंकि यहां बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, मैं मोस्ट ऑफ केसेस में देखता हूं। अच्छा, जब टाइम लेना है तो टाइम आपको कंप्लीट लेना है, जो जो क्वेश्चन में टाइम कंप्लीट दिया होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं, अब बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर्स, टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स, ध्यान देना टू है ये, ईच रेजिस्टेंस 10 ओम, ये ओम बना हुआ है, आर कनेक्टेड पहला पार्ट इन सीरीज एंड पैरलर, एक बार सीरीज में एक बार पैरलर में, इन टर्न टू अ वोल्टी ऑफ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, और कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की। कहता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन टू केस, कहता है इन दोनों केस में इनके पावर बताओ कितने होंगे। चलो बहुत बढ़िया बात है, और देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सीरीज वाले केस में देख लो, तो सीरीज वाले केस में पावर इज इक्वल टू, हमारे पास पहले गिवन क्या क्या है, हमारे पास पहले गिवन क्या क्या है, जरा ये लिख लेते हैं, ठीक है। इसको देखो गिवन क्या क्या, सबसे पहले लिखो गिवन, हमारे पास है गिवन, तो गिवन में हमारे पास है आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है, और वी की वैल्यू कितना गिवन है, 6 वोल्ट, ठीक है। एक बार सीरीज लगाता है, एक बार पैरलर, एक बार सीरीज लगाता है, एक बार पैरलर, ठीक है। तो सीरीज जब लगाता है तो पावर निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, हमारे पास होता है, एक होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर। हमने ऐसा क्यों किया पता है आपको, ऐसा इसलिए किया, ये वाला फॉर्मूला हमने क्यों अप्लाई किया, इसका रीजन ये है बच्चा पार्टी, क्योंकि हमारे पास देखो V गिवन है और R गिवन है, अगर V और I गिवन होता तो हम P इज इक्वल टू वी वाई वाला कैलकुलेट करते। तो सीरीज में सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालो, क्या निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना होता है भाई, R इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस में R2, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आ जाएगा, 20 ओम, ठीक। पार देखो कितना आ जाएगा, पार इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू है 20, क्लियर, क्लियर है ना, ओके। ये पी किस में आ गया, सीरीज में आ गया। अब जरा पैरलर का जरा देखो, किसका देखो, पैरलर का देखो, तो पैरलर में भैया देखो जरा, पैरलर का जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, आर पैरलर इज इक्वल टू 1 बाई आर टू, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें वही लगाना पड़ेगा, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, तो पहले R चाहिए, तो 1 अपॉन में R पैरलर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10, ये कितना आ गया हमारे पास, 10 LCM, 2 बाई 10, या R पैरलर आ गया कितना, 10 बाई 2, ये कितना आ गया, 5 ओम, कितना आ गया, 5 ओम आ गया। चलो वैल्यू रखो, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी है, 5 ओम, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया बात है, ये आ गया पैरलर इन, ये हो गया हमारे पास पावर इन सीरीज, पावर इन पैरलर। अब रेशियो क्या चाहिए, रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम इन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन टू केस, तो रेशियो हम निकाल लेते हैं, तो पावर ऑफ सीरीज अपॉन में पावर ऑफ पैरेलल निकाला, सीरीज का कितना है हमारे पास, 6 स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, 20, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, अपॉन में हो गया 6 स्क्वायर अपॉन में 5 ऊपर जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा, क्लियर बात कि नहीं, क्लियर, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, तो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है एन इलेक्ट्रिक गीजर रेटेड 1500 वॉट 250 वोल्ट कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट, देखो ये सिमिलर है, केवल टेंशन देने के लिए है, लाइन मेंस, मेंस से ही कनेक्ट करोगे कि न्यूट्रल से कनेक्ट करोगे, कोई भी गैजेट हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ऑलवेज लाइव वायर से, मेन से,
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल करंट ड्रॉ बाय इट। तो सबसे पहले तो दोस्तों लिखो गिवन, क्या लिखो गिवन, छोटे बच्चों की तरीका, ठीक है। गिवन में क्या है, हमारे पास पावर दिया है, हमारे पास कितना 1500 वॉट राइट, और वी दिया है 250 वोल्ट। क्लियर है, अब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ बाय इट। तो चलो देखो पहला क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं हम लोग चुटकियों में। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारे पास, देखो जरा P इज इक्वल टू क्या होता है, V I, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन में V राइट। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो उड़ाया जाए क्या कहता है, कहता है एनर्जी कंज्यूम बाय यूनिट 50 आवर्स, ठीक है, कितने आवर्स, 50 आवर्स। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम, पावर आपके पास दिया है 1500 और टाइम दिया है 50 आर, तो किसमें निकल के आएगा, वॉट आर में निकल के आएगा। फिर इसको कन्वर्ट करना है kWh में, अभी चलो करते हैं, ठीक है। तो जरा देखो कर ही लेते हैं अभी, क्या करते हैं देखो, तो 15 5 से 75 और ये हो जाएगा 1 2 3 0, फिर kWh में कन्वर्ट किया तो 1000 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 75 यूनिट आ गया। चलो अब क्या कहता है, सी वाला पार्ट इसको चुटकी में तुम लोग उड़ा देना, अब मैं नहीं उड़ा रहा हूं, ठीक है। क्या कहता है, कहता है कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इफ ईच यूनिट कॉस्ट 6 रुपीज, तो एक यूनिट की कॉस्ट है 6 रुपए, तो 75 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको बताने की जरूरत पड़ रही है, छोटे बच्चे हो क्या चलो ठीक है आगे देखते हैं, है ना, आगे देखो आगे देखो। सर आप डर गए थे ना जब मैंने कहा छोटे बच्चे हो गया, सर डर गए थे, आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो प्रैक्टिस मैं आपको करा दे रहा हूं, बाकी के जो हमारे सेशंस होंगे वो प्रैक्टिस लेकर के आएंगे आपके लिए बहुत धुआंधार टाइप की। फिलहाल अभी आपको कि पावर आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए वो मैं आज आपको करा के जा रहा हूं, ठीक है। कहता है फ्यूज ऑफ 3 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर आर अवेलेबल, एक दुकान गए आप, दुकान में बोलते हैं भैया फ्यूज है, तो बोलो हाँ भैया फ्यूज है 3 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर का फ्यूज है बताओ, तो बोलता है तो फिर एक काम करो कैलकुलेट कैलकुलेट नहीं है कैलकुलेट है वो, ठीक है, कैलकुलेट एंड सिलेक्ट द फ्यूज फॉर द ऑपरेटिंग एंड इलेक्ट्रिक आयरन। एक तुम्हारे घर में प्रेस है जो 1 किलोवाट का है और पावर रेट कितना है 220 वोल्ट लाइन 220 के पोटेंशियल में चलता है, तो बताओ कि इसमें फ्यूज कौन सा लगाया जाए। तो और देख लो करंट, देख लो करंट, तो P इज इक्वल टू क्या होता है वी आई, और आई इज इक्वल टू क्या होता है P अपॉन में वी, तो P की वैल्यू कितनी है 220 अपॉन, नो बेटा नो, क्या कर रहे हो तुम लोग, पावर की वैल्यू हमारे पास 1 किलोवाट मतलब 1000 अपॉन में वी की वैल्यू कितनी है 220, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया 2 4 8 मतलब 4 point something मान लो 4 something मैंने लिख दिया समथिंग, ठीक है, इसका मतलब 4 से ज्यादा चाहिए और 5 से कम चाहिए, तो एक काम करते हैं तो 5 एम्पियर हमारे पास एप्रोप्रिएट आंसर है, तो फ्यूज हमको चाहिए कितने एम्पियर का, 5 एम्पियर। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये प्यारा सा सेशन कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए, बाय बाय टाटा एंड टेक केयर।